हेलो एवरीवन, सो आई एम गोइंग टू आंसर अनदर क्वेश्चन अंडर द सीरीज यू आस्क मी आंसर। फटाफट अपने बारे में बता देता हूँ, मैं सीईओ और को फाउंडर हूँ कैटापल्ट क्लासेस का, पास आउट ऑफ आईआईटी दिल्ली, 6 times 99+ परसेंटाइलर एंड ये मेरी प्रीवियस ईयर कैट परसेंटाइल्स हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन आस्क बाई आदित्य गुजरावत, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%। नाउ 10% का मतलब होता है 1/10 और इंक्रीज का मतलब होता है 11/10। फिर कह रहा है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, इंक्रीज का मतलब होता है 6/5। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय x परसेंट, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, ये इंक्रीज कर गया है x परसेंट से। रेंज ऑफ x हमें बतानी है। अब रेंज क्यों बतानी है, बिकॉज हमारे पास लेंथ और ब्रेथ जो है, l और b जो है, इसकी वैल्यू नहीं पता है कि ये सेम है, इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, क्या है ना। नॉर्मल कन्वेंशन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से बड़ी होती है। सो चेंज्ड जो न्यू हमारे पास पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 11/10 एल प्लस 12/10 बी कर देता हूँ। अब क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा और छोटी हो जाएगी तो फिर दूसरी जो डायमेंशन है, दूसरा साइड है, वो लेंथ हो जाएगा। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जीरो है, विच इज नॉट पॉसिबल बट लेट्स अज्यूम दैट इट इज जीरो। तो ये इंक्रीज कितने से करेगा, 10% से करेगा। इसका मतलब जो हमारी बढ़ेगी, जो रेंज आएगी वो 10% से ज्यादा होगी। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है और दूसरी चीज 20% से बढ़ रही है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 10 से ज्यादा होगा और 20 से कम होगा। ये तो फैक्ट, मतलब इतना तो होना ही होना है, 10 के बराबर भी नहीं हो सकता है, 20 के बराबर भी नहीं हो सकता है। x कहां पे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल ए, लेट्स से ये लेंथ है, एंड वेरिएबल बी विच इज ब्रेथ। तो जब हमने ब्रेथ को जीरो मान लिया तो दिस विल बी क्लोज टू x, बट क्लोज टू 10, बट 10 तो हो नहीं सकता है, 10 से तो बड़ा ही होना चाहिए बिकॉज ये जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें तो 11, 12, 13 इनको सबको काउंट ही नहीं किया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी रह जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, सेकेंड सिनेरियो हम मान लेते हैं कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ हो गया, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट ब्रेथ कैन अचीव, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती है। तो दोनों अगर इक्वल हो गए तो इक्वल क्वांटिटी में अगर एक को 10% से बढ़ा रहे हो और दूसरे को 20% से बढ़ा रहे हो तो रिजल्टेंट इंक्रीज जो होगा वो 15% का होगा। कैसे होगा, 10 + 20/2 दैट इज 15। एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से सोच सकते हो, मैनुअल 10, 20, 30 लेके भी देख सकते हो, बट ये होगा, एलिगेशन से देखा जा सकता है। तो 15% होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 15% तक जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये सर्कुलर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि 15 वैल्यू हो सकती है और 10 से बड़ी होगी। सो दैट इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क मी आंसर। आई होप कि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, एंड इफ यू वैल्यू आवर एफर्ट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू हैव। Thank you guys. All the best.